नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। यूपी के लखीमपुर खीरी में जीबीएन 24 न्यूज पर चली खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जीबीएन 24 न्यूज पर खबर चलने के शिक्षा विभाग नींद से जग गया। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी ने विद्यालय का ध्वस्तीकरण रुकवा दिया है और जर्जर घोषित हो चुकी बिल्डिंग की नीलामी का पैसा ठेकेदार को वापस करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कस्बा खीरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग और प्रधान अध्यापिका की मिलीभगत से विगत जनवरी माह में विद्यालय जर्जर घोषित किया गया। मार्च माह में लाखों के टाइल्स लगवाए गए और 22 अप्रैल को 2 लाख में विद्यालय की नीलामी कर 23 जून से विद्यालय का ध्वस्तीकरण कराया जाने लगा, जिसको लेकर जीबीएन न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई है। खबर के बाद एबीएसए विद्यालय पहुंचकर ठेकेदार द्वारा तोड़े जा रहे विद्यालय पर लगा दी गई है। एबीएस ने बताया कि प्रधानाध्यापिका इमारत के निर्माण का सन 1969 बताया, जबकि विद्यालय में लगे बोर्ड पर निर्माण का वर्ष 1971 अंकित है। 72 के पहले की इमारतें शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। कहा, अगर विद्यालय जर्जर घोषित हुआ था तो लाखों के टाइल्स क्यों लगवाए गए। फिलहाल ठेकेदार को पैसे वापस देने के लिए प्रधान अध्यापिका को मौखिक आदेश दिए हैं और दोषी के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। जीबीएन 24 न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से जमीर अहमद की रिपोर्ट। बिल्डिंग में था नियम की जो 1972 पहले की बिल्डिंग है वो पंचायत से है, उसके अनुमति से ही टूट सकती है। तो उस पर रोक लगाने की बात हुई है, रोक लगा दी गई है। हाँ, रोक पहले से ही लगा है। अच्छा, और आदेश तो हमको लगता है बहुत पहले ही जारी हो गया है। जब इसको टूटना था टाइल भी लग गए नए, ये सब इसको जांच कर रहे हैं आप लोग, सब देख रहे हैं। अब इस पर देखा जाएगा कि आखिर ये बिल्डिंग जब जर्जर थी तो इसमें टाइल्स क्यों लग गई। अगर इन्होंने नहीं बताया है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो हम लोग दोषी होगा।